हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लाइफ में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं ना जिसकी तकलीफ हमें बाद में पहुंचती है और हम रिग्रेट करने लगते हैं कि काश एक चांस मिलता और वो गलती सुधार सकते। कुछ ऐसे ही कंसेप्ट पे मैं आज की मूवी लेके आई हूँ, टाइम फ्री, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट का ब्रेकअप होता है और वो एक टाइम मशीन इन्वेंट करता है और पास्ट में जाके बार बार अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है और टाइमलाइन चेंजेस के कारण और एक नई गलती उसके सामने आ जाती है। इस मूवी को लिखा एंड डायरेक्ट किया है एंड्रू बोलर ने और मूवी के कास्ट है असा बटरफील्ड, सोफी टर्नर, स्काइलर गिसोंडो। मूवी के लीड कैरेक्टर स्टीलमैन और डेबी कपल थे और इनका दोस्त था इवान। अब यहाँ पे दोस्तों मूवी के शुरुआत में ही डेबी और स्टीलमैन का ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि डेबी इस रिलेशन से खुश नहीं थी तो वो छोड़ के चली जाती है। अब हम पास्ट में देखते हैं कि स्टीलमैन बहुत ही होशियार लड़का था, फिजिक्स में तो वो एक्सपर्ट था। उसे डेबी नाम की लड़की पसंद थी। डेबी चंचल लड़की थी जिसे पार्टी करना, घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना बड़ा पसंद था। साइंस स्टफ, प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट, बिग फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें उसे पसंद थी। लेकिन पढ़ाई में वो खुद कुछ खास नहीं थी, उसे चीजें जानने में दिलचस्पी थी, स्टडी करने में नहीं। हर स्टूडेंट की कहानी, सिर्फ जानने में इंटरेस्ट है, पढ़ाई करने में नहीं। एक दिन स्टीलमैन डेबी से बात करने की कोशिश करता है और फिर उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है और दोनों का रिलेशन स्टार्ट होता है। लेकिन इसी बीच में कई बार स्टीलमैन रिलेशन में ना कुछ गलतियां कर देता है जिसका नतीजा ये हो जाता है कि ऑलमोस्ट एक साल के बाद डेबी स्टीलमैन से ब्रेकअप करती है कैफे में बिना कुछ रीजन दिए। इस ब्रेकअप से स्टीलमैन डिप्रेस हो जाता है। जब वो सदमे से बाहर निकलता है तब उसे डेबी को खोना नहीं था, इसीलिए ब्रेकअप रोकने के लिए वो एक टाइम मशीन बनाने लगता है। जैसे कि ये फिजिक्स में ऑलरेडी एक्सपर्ट था तो कुछ ही दिनों में टाइम मशीन बना लेता है। यहाँ टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट बिल्कुल एक्समैन के डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के टाइम ट्रैवल जैसा था, जहाँ पे वुल्वरिन की बॉडी तो फ्यूचर में रहती है लेकिन उसका कॉन्शियस दिमाग जो रहता है वो पास्ट में जाता है। सेम कंसेप्ट, यहाँ पे स्टीलमैन फिजिकली पास्ट में नहीं जाएगा, अपना कॉन्शियसनेस उसके पास्ट वाले बॉडी में वो ट्रांसफर करेगा और इसी तरह वो पास्ट में जाके चीजें चेंज करता है। और उसी कंसेप्ट के कारण पास्ट में जो स्टीलमैन है उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि अभी क्या हुआ, उसके लिए वो ब्लैंक स्पॉट रहेगा। स्टीलमैन उसका मोबाइल टाइम मशीन से कनेक्ट करके रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसमें वो डेट एंड टाइमिंग सेट करके उस वक्त के स्टीलमैन के बॉडी में वो चला जाता था। आगे स्टीलमैन टाइम मशीन एक्टिवेट करता है और उसके ब्रेकअप जब हुआ था उस इवेंट में जाता है और वो डेबी को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी डेबी उसे छोड़ के चली जाती है और यही टाइम लूप हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। कई बार रिपीट ट्राई करने के बावजूद डेबी नहीं मानती और हर बार उनका कन्वर्सेशन का एंड ब्रेकअप से ही होता था। और तभी उसे रियलाइज होता है कि इनका जो ब्रेकअप हुआ था वो एक दिन के कारण नहीं हुआ था, वो पिछले साल में जितने भी गलतियां हुई थी उनके कारण हुआ था। तो वो वापस फ्यूचर में आता है और एक नया डिवाइस बनाने पे काम करने लगता है। ऑलरेडी वो जीनियस लड़का था, वो डिवाइस कुछ ही समय में वो बना लेता है। वो एक मेमोरी डिवाइस बनाता है जिसमें वो डेबी के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज का दोस्त इवान उसे मिलने के लिए आता है और वहाँ पे वो स्टीलमैन की टाइम मशीन और मेमोरी डिवाइस देखता है और आगे स्टीलमैन उसे अपना प्लान बताता है। वो पास्ट में जाकर सभी बैड मेमोरीज को एक एक करके फिक्स करके हैप्पी मेमोरीज में बदलने वाला था। अब यहाँ पे इवान भी एक्साइटेड होता है और उसे भी पास्ट में जाना था। फिर वैसे ही ये लोग टाइम मशीन एक्टिवेट करते हैं एंड पास्ट में जाते हैं। वे लोग एक एक करके बैड मेमोरीज में जाते हैं। तो पहला इवेंट मूवी डेट नाइट का था। यहाँ पे स्टीलमैन एक साइंस फिक्शन मूवी देख रहा था जिसमें डेबी और उसके कुछ दोस्त मूवी का मजाक उड़ा रहे थे, जिसे देख के स्टीलमैन काफी फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा होता है और उनका इंसल्ट कर बैठता है जिसके कारण डेबी को बहुत बुरा लगता है। अब इस बार स्टीलमैन को ये गलती दोहरानी नहीं थी लेकिन दोस्तों फ्यूचर जानने के बावजूद वो यही गलती दर उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो वो अगला अटेम्प्ट ट्राई करता है जिसमें वो खुद भी मूवी का मजाक उड़ाने लगता है और डेबी और उसके दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है और इसी तरह वो जो बैड मेमोरी थी वो एक हैप्पी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक नेक्स्ट बैड इवेंट आता है जहाँ पे डेबी को एक रेस्टोरेंट में सिंगिंग का जॉब मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करती, बाद में वो काफी पछताती है। तो यहाँ पे स्टीलमैन उस इवेंट में जाता है और डेबी को वो जॉब लेने के लिए कन्विंस करता है, डेबी फिर वो जॉब एक्सेप्ट करती है। ऐसी आगे के कई सारे इवेंट्स ये फिक्स करता है डेबी के साथ या इवान को लेके। आगे फिर इवान की एक मेमोरी आती है जहाँ पे वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था लेकिन वो कन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो जाता है एंड वहीं पे बात टल जाती है, इसीलिए वो ये इवेंट फिर से रीसेट करने के लिए बोलता है। लेकिन स्टीलमैन का कंट्रोलर बीच में ही हैंग हो जाता है और फिर ये वहीं पे फंस जाते हैं। कई समय बिताने के बाद फाइनली स्टीलमैन कंट्रोलर को एक्टिवेट कर देता है लेकिन अब उसका रिवर्स ट्रैवल डिसेबल हुआ था, यानी वो पास्ट के मेमोरी में नहीं जा सकता। इनको
किसी भी मेमोरी को ठीक करने का सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। इसके बाद फिर स्टीलमैन का बहुत बड़ा मेन इवेंट आता है और इसी इवेंट के बाद एक्चुअली इन दोनों का रिलेशन बहुत खराब होने लगा था। यहाँ पे डेबी और उसके दोस्त एक अजीब कल्ट के मेंबर्स थे। वीकेंड में कल्ट के मेंबर्स रात में आधे नूड होकर नशा करके पूरी नाइट पार्टी करते थे। डेबी भी कुछ ऐसे ही लोगों के साथ डांस करने लगी थी। अब ये बात स्टीलमैन को पसंद नहीं आती, सो वो बहुत ही भड़क जाता है कि तुम ऐसे कैसे हाफ नूड होकर कहीं पे भी डांस करने जा रही हो। अब स्टीलमैन को ये मेमोरी फिक्स करनी थी। अब वो फिक्स करने के लिए इसके पास एक ही चांस था, सो इस बार वो ना चाहते हुए भी खुद भी उन लोगों की तरह ही अजीब कपड़े पहन के डांस करने लगता है। यहाँ पे वो डेबी को रोकता नहीं है। अब इनका झगड़ा नहीं हुआ है तो इनके कारण एक हैप्पी मेमोरी वहाँ पे बन जाती है और इवेंचुअली उनका ब्रेकअप नहीं हो जाता। अब जब यहाँ पे ये इवेंट चल रहा था, इसी इवेंट के समय इवान जो उसका दोस्त है वो खुद को उसी लड़की के घर में पाता है जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा था। यानी कंट्रोलर ठीक होने के बाद इवान भी उस लड़की के साथ प्रोसीड करता है और उसके घर आता है और इनकी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। इवान भी उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने के बाद काफी अच्छा समय स्पेंड करता है, उस लड़की को सामान शिफ्ट करने में भी मदद करता है और उसके बाद इवान भी एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है उस लड़की के साथ। यहाँ पे स्टीलमैन और डेबी का ब्रेकअप होने का सबूत था उसका एक टेक्स्ट मैसेज। तो जब अगले दिन स्टीलमैन उठता है तब उसे मोबाइल पे कोई भी टेक्स्ट मैसेज नहीं मिलता, यानी इसका प्लान कामयाब हुआ था। सारी बैड मेमोरी एक एक करके फिक्स कर दी गई थी। अब ये सारी चीजें फिक्स करने के बाद ये दोनों भी वापस फ्यूचर में चले आते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, डेबी अभी उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब सिंस ब्रेकअप ही नहीं हुआ है तो टाइम मशीन भी नहीं थी, लेकिन स्टीलमैन के पास सारे फॉर्मूलाज और थ्योरी अभी भी थी। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन स्टीलमैन को एक ही चिंता सताई जा रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो उसे कैसे सॉल्व कर सकता है। इसीलिए वो वापस फिर से टाइम मशीन बनाना शुरू करता है और कहानी फिर आगे बढ़ती है 2 साल के बाद। यहाँ पे स्टीलमैन और डेबी की शादी हुई थी, इनका कभी भी झगड़ा नहीं होता था, सारी बातें परफेक्ट थी, आई थिंक कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, डेबी अब पहले जैसे नहीं थी, जैसे वो पहले हैप्पी लाइफ एंजॉय करती थी वैसे नहीं थी। यहाँ पे अभी वो हमेशा निराश रहने लगती थी, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था, म्यूजिक भी छोड़ दिया था और ये सब कुछ स्टीलमैन के टाइम ट्रैवल के कारण हुआ था। यहाँ पे दरअसल डेबी को खोना नहीं था इसीलिए, या फिर इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा होता था, फिर हमारे स्टीलमैन महाशय उठते थे और टाइम मशीन शुरू करके उस मेमोरी को पूरी तरीके से फिक्स कर देते थे और एक हैप्पी मेमोरी और हैप्पी मोमेंट बना देते थे। मतलब झगड़े को अगर आप हैप्पी बनाओगे तो वो बेचारी उदास होगी ही ना। इतना ही नहीं, कई बार वो डेबी के डिसीजन भी बदल देता था, यानी उसको मैनिपुलेट कर देता था। अब इसके कारण डेबी पहले की तरह एक्साइटेड नहीं रहती, वो निराश गुमसुम रहने लगती। अब यहाँ पे स्टीलमैन को समझ आता है कि अगर उसने टाइम मशीन इस्तेमाल नहीं की तो इनके झगड़े ऐसे ही होते रहेंगे और इवेंचुअली डेबी उसे छोड़ के चली जाएगी, यानी ये कितनी भी कोशिश करे ब्रेकअप होना है तो वो होके ही रहेगा। हर बार वो मेमोरी परफेक्ट करने के चक्कर में उस बिचारी को वो बदल दे रहा है। ये हैप्पी रियलाइजेशन होने के बाद स्टीलमैन को कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं देता, उसको अब डेबी को पहले जैसी लड़की बनानी थी चाहे उसे छोड़ना क्यों ना पड़े। यहाँ पे स्टीलमैन का प्लान ये रहता है कि वो पास में जाके डेबी से पहली बार जब मिला था उस मेमोरी को ही वो बदल देगा, ज्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा ही नहीं और दोनों की फिर कभी दोस्ती ही नहीं होगी, जिससे डेबी और स्टीलमैन का रिलेशन भी नहीं होगा और वो अपनी एक अलग हैप्पी लाइफ जीने लगेगी। अब ये सारी चीजें वो इवान को भी बता देता है जिसके कारण दोनों की बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मशीन के कारण इवान की लाइफ तो अच्छी हो गई थी एकदम, लेकिन इसी बहस के चक्कर में वहाँ पे डेबी आ जाती है और उसे टाइम मशीन के बारे में पता चल जाता है। फिर स्टीलमैन टाइमलाइन, मेमोरी डिवाइस, इवेंट चेंजेस, ये सारी बातें यानी पिछले 3 साल में जो भी कुछ किया था ये सारी चीजें वो डेबी को बता देता है, जिससे डेबी बहुत टूट जाती है, रोने लगती है। यानी कि जो 2 साल थे वो सारे फेक, अनरियल और स्क्रिप्टेड थे, इसीलिए वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी। डेबी को वो काफी समझाता है कि तुम्हारी लाइफ में अच्छी कर दूंगा और उसके बाद टाइम मशीन एक्टिवेट करके उसमें जंप मारता है। इवान भी उस टाइम मशीन में चला जाता है और दोनों भी पास्ट में आ जाते हैं। इवान यहाँ पे स्टीलमैन को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे स्टीलमैन को ये इवेंट बदलने के बाद फिर से फ्यूचर में जाने का कोई इरादा नहीं था, यानी यहाँ पे वो कुछ ना कुछ जो भी अपनी गलतियां थी उसे चेंज करने के बाद वो पूरी तरीके से उधर ही रहने वाला था पास्ट में और एक नए तरीके से वो सारी लाइफ जीने वाला था। इसलिए स्टीलमैन ने मोबाइल कंट्रोलर एक्टिवेट नहीं किया था जिससे ये लोग वापस फ्यूचर में जा सकते थे, और ये बात अब इवान को भी पता लग गई थी, वो भी अभी पास्ट में अटक गया था। इसके कारण ना ही तो अब ये मेमोरी रिसेट कर सकता है और ना ही फ्यूचर में जा सकता है। स्टीलमैन खुद 3 साल पीछे आया था और वो सारी जिंदगी वापस जीना चाहता था और उसके साथ साथ ये इवान भी 3 साल पीछे आके अब वहाँ उस लाइफ में फंस गया था। वहाँ आने के बाद वेल इनको पता था कि आगे क्या क्या इवेंट होने वाले हैं और किस तरह होने वाले थे, सो इवान को भी यहाँ पे एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लगती है खुद की लाइफ और भी ज्यादा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए।
वो स्टीलमैन को गुड बाय कह के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इस समय की डेबी वहां से आ जाती है अपनी नोटबुक लौटाने। तो ये वो दिन था जब पहली बार स्टीलमैन डेबी से मिला था और दोनों भी काफी इंटरेक्ट करने के बाद दोस्त बने थे। लेकिन यहाँ पे स्टीलमैन बुक लेने के बाद कुछ भी बातें नहीं करता। पर उतने में ही दोस्तों फ्यूचर वाली डेबी भी टाइम मशीन में जंप मारती है और उस वाली डेबी के कॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है। यानी दोस्तों यहाँ पे अब डेबी भी 3 साल पीछे पास्ट में आके फंस चुकी थी। अब स्टीलमैन कुछ उससे बात नहीं करता तो वो स्टीलमैन को रोकती है और उसे कन्फ्रंट करने लगती है और दोनों का काफी आर्ग्यूमेंट हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अंत में डेबी उसे माफ कर देती है और यहाँ पे इन दोनों का वापस रिलेशन शुरू हो जाता है एक नए तरीके से। और यहाँ पे स्टीलमैन डेबी को एक प्रॉमिस करता है और खुद भी डिसाइड करता है कि दोनों का कितना भी बड़ा झगड़ा ही क्यों ना हो वो कभी भी ना तो टाइम मशीन बनाएगा और ना ही उसमें जाके मेमोरीज को चेंज करेगा। अब यहाँ पे डेबी भी पहले जैसी नहीं थी। एक एक छोटी छोटी मिस्टेक के ऊपर वो रिलेशन नहीं तोड़ती थी, ब्रेकअप नहीं कर देती, काफी मेच्योर हो जाती है। और डेबी भी उसे कन्फेस करती कि वो भी उसे काफी प्यार करती है। दोनों के रिलेशन में कितने भी बड़े उतार चढ़ाव ना आए वो स्टीलमैन को नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पे दोनों को भी एक बात रियलाइज हो चुकी थी कि लाइफ जीने का असली मजा तो तभी है जब लाइफ अनसर्टन है, तभी लाइफ में एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट आती है। और इसी तरह स्टीलमैन डेबी और इवान इन तीनों को भी एक मौका मिलता है अपनी लाइफ वापस रिस्टार्ट करके 3 साल पीछे जाके जीने का, और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों मुझे आप सच्ची में बताओ, अगर आपको एक मोमेंट मिल जाए जो आप रिलीव कर सकते हो तो वो कौन सा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वेल अगर मैं बताऊँ तो मुझे कॉलेज लाइफ वापस एंजॉय करनी है क्योंकि शायद मैंने तब ज्यादा एंजॉय नहीं की थी, मे बी इसलिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।